काफ़ी कमेंट्स के बाद ये वीडियो आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स थे नारजू सीरीज के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, नारजू सीरीज और सी सीरीज के ऊपर में ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। अगर आप नारजू सीरीज का कोई भी हैंडसेट यूज करते हैं या फिर सी सीरीज का कोई हैंडसेट यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अपने फ़ोन में पासवर्ड, पैटर्न, पिन किसी भी तरीके का लॉक लगा के भूल गए हैं, गलती हो गया है, उसका आपको पश्चाताप करने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ, डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा, डेटा सेफ रहेगा। ये जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि फ़ोन तो कोई भी अनलॉक कर लेगा, लेकिन डेटा बचा के अनलॉक करना बॉस सबकी बस की बात नहीं है। चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपका फ़ोन लॉक हो आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पर चल जाना है। और यहाँ पर आपको मैं एक सीक्रेट कोड दे रहा हूँ, इस सीक्रेट कोड की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले ये सीक्रेट कोड आपको इंटर करना है आपके अपने स्मार्टफोन में और उसके बाद कॉल करना है। ये देखिए, कॉल करते ही कुछ इस तरीके का मैसेज आपको ये देखिए देखने को मिलेगा। तो कॉल करते ही कुछ इस तरीके का मैसेज आपको दिखेगा, आपको इस मैसेज को इग्नोर कर देना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके कर लीजिएगा और इन सारे नंबर्स को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, स्टार हैज 899 और हैज, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन के आते ही आपका इंजीनियर मोड का एक पेज खुल जाएगा जो कि लंबा चौड़ा है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑफिशियल बताते हैं, जो इंजीनियर बताते हैं उनकी बात को सुनिए और जितना हम बताते हैं उतना ही आपको करना है, वरना इस फीचर से, इस फंक्शन से आपका फ़ोन डेड हो सकता है। चलिए मैनुअल टेस्ट की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है रीड राइट वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। अब फर्स्ट टाइम बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि ओके कर देते हैं, आपको ओके नहीं करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने ओके कर लिया उनको फ़ोन को रीस्टार्ट करके फिर से ये सारा प्रोसेस करना होगा। सेकेंड अटैम्प्ट में यहाँ पे अब हमें ओके पे प्रेस करना है, तो इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड लिख रहा है, बट अभी आपका काम फिनिश नहीं हुआ। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, की स्टेटस पे फाइनली क्लिक करना है और की स्टेटस के लिए देखिए ये चारों यहाँ पे आपके जो है पास होने चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बैक कर लीजिएगा। बैक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको अब बस कुछ नहीं करना है, 1, 2 and 3, ये देखिए आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डेटा लॉस। जी हाँ दोस्तों, विदाउट डेटा लॉस ये हुआ है। और अगर आप नए नए स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।